हे वेलकम एवरीवन। तो आज मैं आपको निसान मैग्नाइट सीवीटी का ऑफ रोडिंग और घाट सेक्शंस, बैड रोड्स के बारे में रिव्यू देने वाला हूँ। तो बेसिकली अभी जो आप देख रहे हैं, ये एक इंक्लाइंड है, इसमें प्रॉपर रोड भी नहीं है, बट गाड़ी में चार लोग, चार एडल्ट्स होने के बावजूद बहुत अच्छा खींचा। द पुल वॉज ग्रेट एंड इट वॉज़ इन ड्राइव मोड, मुझे लोअर गियर के लिए जाने के लिए ज़रूरत भी नहीं पड़ा, तो ड्राइव मोड में ही इट कुड पुल ऑल द फोर पीपल। तो इंजन पावर बहुत ही अच्छा है, मुझे कहीं पे भी एज सच पावर लैग दिखता नहीं है। सस्पेंशन यस, इट्स ऑन अ बिट ऑफ स्टिफर साइड, छोटे गड्ढे या रफ पैचेस में आपको कैबिन नॉइज़ डेफिनेटली पता चलेगा, 100% पता चलेगा, इसमें कोई ये नहीं है। और अगर आपको लाइक अच्छा रोड के लिए स्टेबिलिटी चाहिए तो स्टिफर सस्पेंशन एडवांटेजेस है एक बार, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि आप टायर प्रेशर थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं अराउंड 33 और सो, ताकि आपको ऐसे रोड्स में रोड नॉइज़ या वो रफनेस पता नहीं चलेगा। बट अभी जो रोड देख रहे हैं आप, पूरा स्मूथ है, तो यहाँ पे सस्पेंशन एक्सेलेंट काम करता है, आपको गाड़ी पूरा मक्खन जैसे स्मूथ लगेगा, कहीं पे कुछ पता नहीं चलेगा। और गाड़ी आप देख सकते हैं पूरा ट्रैक में ही है, बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा रही है। ऑल दो स्पीड्स अबव 80-90 है, फिर भी गाड़ी पूरा कंट्रोल में है और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, आपको एज सच कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसको मैंने घाट रोड में भी टेस्ट किया है विथ 6 एडल्ट्स, आई मीन दो थोड़े पतले लोग थे, बट स्टिल इट वॉज़ लाइक 6 एडल्ट्स। और सेम ड्राइव मोड में ही बहुत ही स्टीप घाट, आप अगर आपको पता होगा दियो माली, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन ईस्टर्न घाट्स, वहाँ पे हम लोग चढ़े थे ड्राइव मोड पे ही, और कहीं पे भी कुछ पावर लैग पता नहीं चला, बहुत ही स्मूथ था गाड़ी। बस आप यहाँ पे कैमरा स्टेबिलिटी से पता कर सकते हैं कि गाड़ी कितना हिल रही है, बट ओवरऑल अभी तक तो 4 मंथ्स में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। गाड़ी परफॉर्मेंस वाइज, इंजन, पावर, लुक, एवरीथिंग, आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू इन सम अदर रिव्यू अगेन। थैंक्स, बाय।